हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ओजरे पी आर टी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मींस आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपना एक किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं, बट जैसे कि काली लिनक्स अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं माउंट सीडी की, आज हम उसके बारे में बात करेंगे पूरी तरह से। सबसे पहले हम शुरुआत करने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर आती है और आप क्या गलती करते हैं। तो दो तीन चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो हम प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप की तरफ ले चलता हूँ। तो जैसे कि हम अपने लैपटॉप को चालू करते हैं, तो हम सबसे पहले अपने लैपटॉप को चालू करते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले बूटिंग का ऑप्शन आता है, तो हमने बूटिंग का ऑप्शन वहाँ पे प्ले किया। ओके, देन उसके बाद अपने को चूज़ करना है अपने को सीडी स्टोरेज, यूएसबी स्टोरेज सॉरी। तो अपने को यूएसबी स्टोरेज में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जब हम इसको ओके करते हैं, तो अपना जो ये जो यूएसबी है इसमें इस चीज़ को एक्सेस करेगा, और उसके बाद अपने को ग्राफिकल इंस्टॉलेशन करना है। बट जब हम ग्राफिकल इंस्टॉलेशन करते हैं काली लिनक्स पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अपने को यहाँ पे जो कमांड मिलते हैं वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाते हैं। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ इसमें एक्सप्लेन करूँगा। इसमें 5-6 प्रकार की प्रॉब्लम्स हम खुद क्रिएट कर देते हैं, इसकी वजह से ये आगे इंस्टॉल नहीं होता। चलिए मैं प्रोसीड करता हूँ। क्या सबसे पहले हमने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ किया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन इंग्लिश, ओके। देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम माउंट की आती है। तो हम जब ओके करेंगे इसको, तो ये प्रॉब्लम अगेन आएगी, इंस्टॉलेशन नहीं होने देगा, क्योंकि इसको क्या है कि अभी इसको परफेक्ट स्टोर होने के लिए इसको जगह नहीं मिल रही है। तो इसको क्या करते हैं, हम ओके करेंगे नो में जाकर, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन में आके एक्सक्यूट अ सेल करेंगे। जब हम एक्सक्यूट अ सेल करते हैं जैसे ही, तो हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, हमको ये सेल मिलेगा। इस सेल में हमको ध्यान देने की बात ये है कि हम इसमें काफ़ी सारे कमांड्स लगाते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी डिक्स हैं उसमें जितने भी फोल्डर्स बने हैं, तो उसको हम पहले देखते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा के लिप, यहाँ पे आपको लिखना है blkid, ओके। यहाँ पे आप blkid लिखेंगे, तो जितने भी इसमें आपके जो सिस्टम में ड्राइव्स हैं वो चीज़ एक्सेस होंगी। तो यहाँ पे आप दिख रहा है कि आपको सारी तरह की चीज़ यहाँ पे दिख रही हैं, बट अगर एग्जांपल के लिए अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो डायरेक्टली माउंट हो जाना चाहिए था। तो हम पहले डायरेक्टली माउंट करके देखते हैं कि होता है नहीं। तो हम डायरेक्टली माउंट कर रहे हैं माउंट, देन उसके बाद हम यहाँ पे माउंट ले रहे हैं किस तरह का अपना फाइल है, तो vfat। आप यही हर जगह वीडियो में यही दिखे होंगे कि vfat, बट अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, ये हमारा USB का नाम है UUI, और यहाँ पे ये दिखा है अपना UID जो यहाँ पे दी है, टाइप NTFS टाइप का है, ठीक है। तो इस चीज़ में अपने को ध्यान देना है कि इसके थ्रू अपन लोग इस यहाँ पे कमांड को रन करेंगे। तो अपन लोग माउंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे vfat, मगर अपन लोग ने जो ISO बनाया है, इमेज फाइल बनाई है, उसमें जो टाइप डाला है वो है NTFS। ये देखिए उसमें हमने जो टाइप डाला है वो NTFS का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइप NTFS है, vfat नहीं है। बट अब सभी लोग यहाँ पे जैसे कि YouTube में आपको वीडियोस मिलेंगी, तो वहाँ पे vfat के ही रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो यहाँ पे vfat आप देख पा रहे हैं, तो vfat हमने लिखा, फिर हमने यहाँ पे vfat के बाद अपना डेप लगाया। आप यहाँ पे डेप लगा सकते हैं, डेप लगाए। डेप लगाने के बाद अपन लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे अपने ड्राइव का, ST B1। देन उसके बाद अपन लोग को CD-ROM लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद आप इसको इंटर करेंगे, तो यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि माउंटिंग, ये जो अपना डिवाइस है ये फेल्ड, इनवैलिड आर्गुमेंट, ठीक है। आप लोग को भी यही प्रॉब्लम आती होगी कि आर्गुमेंट फेल्ड। तो पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि ध्यान देने वाली बात क्या है, जो आप अपना ISO इमेज फाइल बनाते हैं, तो आपको vfat नाम से बनाना है। मतलब जो टाइप आप लेंगे उसका, उस मेमोरी का, वो vfat लेंगे, ना कि NTFS। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ये चीज़ पहली चीज़ है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे NTFS आपको फाइल यहाँ पे रखनी है। देन उसके बाद vfat फाइल आपको यहाँ पे आपको vfat फाइल रखना है टाइप्स में, और NTFS को नहीं रखना है। ये पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो गलती होती है अपन लोग से, वो क्या होती है कि अगर हमारे इस फोल्डर में अगर डायरेक्टरी नहीं है इसकी, तो हम यहाँ पे mkdir लिखेंगे,
DIR और यहाँ पे CD-ROM। तो इससे क्या होगा, ये हमारी यहाँ पे जैसे एक्चुअली मेरी पहले से ये बनी हुई रखी है इस पर, तो अभी ये वर्क नहीं करेगा। मगर जैसे कि आपकी बनी हुई नहीं है, एग्जांपल के लिए आप देखें यहाँ पे, तो आप जैसे यहाँ पे ls लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए पहले से बना हुआ है dev CD-ROM, ये बना हुआ है। अगर नहीं बना है ये, तो आपको यहाँ पर mkdir लिखना पड़ेगा, mkdir, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा CD-ROM। जब आप ये लिखेंगे तो इसके बाद आप इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टरी बन जाएगा, बट पहले से डायरेक्टरी बनी है तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं बन रही मेरी, क्योंकि फाइल एग्जिट्स कर रही है, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और, कि अगर आप इसके बाद आप प्रोसीड करना चाहते हैं और ये प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं फिर से बताऊँ। कभी कभी कई लोग में ये चीज़ काम कर जाती है, कब, जब वो उसकी यहाँ पे टाइप वी फैट रहती है तो वो काम कर जाता है। बट क्या होता है कि जैसे ही वो काम कर गया, फॉर अभी तो कोई काम नहीं किया इसमें, बट फॉर एग्ज़ाम्पल वो काम कर गया, तो यहाँ पर आपने लिखा एग्ज़िट, मान लीजिए आपका बन गया एग्ज़िट लिखा, एग्ज़िट लिखने के बाद आपने क्या किया, उसको फिर से वो डिटेक्ट एंड माउंट CD-ROM करने से पहले आपने क्या किया, फिर लैंग्वेज चूज़ किया, हाँ आपने चूज़ किया, देन उसके बाद आपने ओके किया, तो यहाँ पे उनकी मतलब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि क्या होता है कई बार कि इस चीज़ को ये एक्सेस नहीं कर पाता इंस्टेंटली। तो आप क्या कीजिए, अपनी पेन ड्राइव को निकालिए और उसके बाद फिर दोबारा लगाइए। नेक्स्ट थिंग, 40 सेकंड तक रुकिए, तब तक आप फिर बैक करिए, और 40 सेकंड बाद, फिर 40 से एक मिनट बाद आप इसको फिर से लगाइए, इनपुट कीजिए, तब फिर ये आगे प्रोसीड करेगा। तब तक नो करिए, फिर उसके बाद फिर से आप इसको डिटेक्ट करिए, ठीक है। तो ये फिर डिटेक्ट होना चालू हो जाएगा। मगर अपर लोग का अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अपर लोग ने इसमें कवर नहीं की हैं, आप समझ रहे होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं बता दूँ। अब मैं ले चलता हूँ अपने आपको दूसरे सिस्टम पर, जहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, अपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि एक्चुअली आपको किस तरह से अपना इंस्टॉलेशन करना है ISO इमेज का। तो इसके लिए मैं भी आपको बताऊँगा कैसा क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं अभी आपको ले चलता हूँ, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ इस सिस्टम को, क्योंकि इस सिस्टम को आप क्लोज़ कर देंगे, ये सिस्टम क्लोज़ हो गया। देन उसके बाद मैंने अपनी पेन ड्राइव को निकाल लिया वापस, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने अनदर सिस्टम पर, ये वाला सिस्टम को मैंने क्लोज़ कर दिया, क्योंकि इसमें से अभी अपना काम पेन ड्राइव नहीं कर रहा और ना ही ये करेगा। क्यों? क्योंकि अभी अपनी सारी सेटिंग्स सही नहीं है। सब जैसे कि क्या होता है एक्चुअली, सब लोग सिंपल सा इंस्टॉल कर लेते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, बूट बना लेते हैं पेन ड्राइव को बूटेबल ISO डाल के। तो ऐसा नहीं जिसमें करना है, आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गई अपनी पेन ड्राइव, ये अपनी पेन ड्राइव हो गई, ठीक है। इसको अपने को इसमें पुट करना है, और जैसे ही हमने इसमें पुट कर दिया उसके बाद ये यहाँ पे शो होने लगा, ठीक है। ये देखिए ये शो हो रहा है यहाँ पे। अब हम लेके चलते हैं आपको अपने फोल्डर में। फोल्डर में ले जाने के बाद हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि जिस फोल्डर में जाएंगे हम, उसके बाद हम जाएंगे, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये पेन ड्राइव दिख रही है, रन डेबिन टाइप, ये रन टैपिंग जीनम, ये इस टाइप की दिख रही है। तो अपने को यही चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से अपन लोग का सिस्टम सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा उसके लिए मैं आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा किसमें, कौन सा अपने को ISO बनाने के लिए सॉफ्टवेयर सही है। तो ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ यूजेबल सॉफ्ट में, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। हाँ तो ओके, उसके बाद ISO बूट मेकर में गए, उसके बाद आपको यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर ना लेकर आपको रिफस का नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है। ये देखिए इसको मैं ऑन कर रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर को, और ये यानी यस किया, और ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन होगा। अपने क्या करना है एक्चुअली में, अपने को बूटेबल बनाना है किसको, ISO को। तो हम लोग ISO को बूटेबल बनाने के लिए यहाँ पे काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रन डेब इंजीनियर, तो यहाँ पर लोग की पहले से स्टोरेज शो कर रही है USB की, ठीक है। यहाँ पे डिक्स पार्टीशन है ISO इमेज का, यहाँ पे सेलेक्ट है यहाँ पे आपका ऑप्शन, यहाँ पे पार्टीशन है, ठीक है। यहाँ पे बायोज है, यहाँ पे ये देखिए NTFS है, मगर अपने को vfat फाइल लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, vfat फाइल। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। दिस PC में गए, यहाँ पे आप लोग इसको पूरा फॉर्मेट कर दिए। सबसे पहले ये हो गया अपना फॉर्मेट,
मतलब इसमें कुछ भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, ब्लैंक है पूरा, कोई इश्यू नहीं। जैसे ये फॉर्मेट हो जाता है उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमने ओके किया कंप्लीट, देन उसके बाद कट किया, देन उसके बाद अगेन अपने अपने रिफ तो दोस्तों अब देखिएगा कि जब अब ये कंप्लीट हो चुका है अपन लोग का बूट, जब हम करें ISO को बूट की GD इमेज से, तो उसके बाद ये जो ड्राइव होती है वो कुछ इस तरह से शो होगी, दिख रहा है आपको इस तरह से। एक्चुअली जो उसकी फॉर्मेट साइज़ थी पहले 28 GB की थी, अब वो इस तरह से दिखने लगी 716 KB और 16.0 KB। बट इसमें आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली ये इसी तरह से ही हो जाती है जब हम DD इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कभी कभी लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, बट कोई इशू नहीं है, ओके। तो चलिए अब मैं इस पेन ड्राइव को निकालता हूँ और मैं फिर से सेटअप करता हूँ कल लिनक्स को, ओके। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ अपने दूसरे लैपटॉप में आपको, जहाँ पे मैं आपको शो करूँगा कि कैसे आपको इसमें आप सेटअप करना और ये कैसे आप काम करेगा, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ इसमें कवर की है, जो सारी प्रॉब्लम्स होती है उस चीज़ को काफ़ी कवर किया है इस वीडियो में। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने अपने आपको सिस्टम पर लेके गया दूसरे, और यहाँ पर चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। इसमें देखिएगा सबसे पहले कि अब क्या प्रॉब्लम आती है और क्या नहीं आती है, क्योंकि अब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर चुके हैं, ठीक है। काफ़ी सारी YouTube वीडियोस में आप देखेंगे कि काफ़ी जगह ये बोला जाता है कि आप शेल को एक्सक्यूट कीजिए, फिर उसके बाद आप इसको ड्राइव बनाइए। मैंने सारी चीज़ जो कवर की है पहले, तो क्या है कि सब चीज़ों के सिस्टम में ये चीज़ काम नहीं करती है। तो कुछ चीज़ को ध्यान रखना है अपन लोग को, जब तक अपने पास DD इमेज नहीं बनेगी, ISO नहीं, DD इमेज बननी चाहिए, तब जाके इस चीज़ को ये रीड कर पाता है, ओके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम ISO बना के एक्चुअली करते क्या है कई बार कि हमने ISO बनाया, और ISO बनाने के बाद हम चाहते हैं कि उसको बार बार क्या करना, अपन लोग एक्सक्यूट करते हैं तो एक्सक्यूट नहीं हो पाता है। तो और कई बार हम वहाँ पे क्वेरीज़ को रन करते हैं तो वो क्वेरीज़ भी काम नहीं करती, क्योंकि DD इमेज नहीं बनी है आपकी। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको, हमारा DD इमेज बन गया, हमने सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा चुका है। अब हम चलते हैं ग्राफिकल इंस्टॉलेशंस में, ओके। अब देखिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ओके। और हमारे साथ अपडेट रहिए इसी तरह से, क्योंकि आने वाली वीडियोस काफ़ी सारी आपके लिए ज़रूरतमंद हो सकती है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं की तरफ, ये देखिए वही हम प्रोसीड करेंगे, और हमने उसी चीज़ को प्रोसीड किया, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे हम इसको चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए लोडिंग होना चालू हो गई कंपोनेंट की, आप देख पा रहे हैं, ये कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं गई। बट एक चीज़ और, मैं सिस्टम पे इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता, इसीलिए इस सिस्टम को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, और बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बहुत ईजिली इस चीज़ को सही कर लिया है। तो मैं इस सिस्टम को बंद कर रहा हूँ कि मुझे, क्योंकि इसमें मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, ओके। तो दोस्तों अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने सेकेंड सिस्टम में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कैसे अब माउंट की प्रॉब्लम को हम ख़त्म कर सकते हैं बहुत इजी तरह से, और कैसे हम बहुत इजी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो अब आप इस चीज़ को क्लियर तरह से समझ के होंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर अभी भी अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर देखने मिल रही हैं, तो आप नीचे मेरा कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आके क्लिक करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को वहाँ सॉल्व आउट करूँगा, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग की।
और एक चीज़ और, अगर आपको कहीं पे कुछ चीज़ ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं स्पेशली, बट वैसे ही कि जहाँ तक हो सकता है मैं सारे कमेंट्स को कवर करता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगता है कि एक साथ नहीं कर पाता। तो दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने का और इस वीडियो को समझने का। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।